हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था तो बीएससी फर्स्ट ईयर का अपना यूनिट चल रही थी, यूनिट फर्स्ट लिक्विड फेज। उसमें पढ़े थे हमने द्रव के सिद्धांत के, कौन कौन से द्रव के सिद्धांत होते हैं। तो हमने द्रव के तीन सिद्धांतों की चर्चा की थी। उसमें फर्स्ट था द्रव का विस्तारित रूप सिद्धांत, सेकेंड था वर्णन व स्केट का नियम, तीसरा आता है अपना आयरिक सिद्धांत। तो ये आयरिक सिद्धांत होता है, ये होता क्या है? तो आयरिक सिद्धांत यह पदार्थ होता है, पदार्थ के तीनों गुणों की व्याख्या करता है, अर्थात किसी भी पदार्थ के ठोस, द्रव व गैस तीनों गुणों की क्या करता है? व्याख्या करता है। द्रव अवस्था में वह अवस्था जहाँ द्रव व गैस व ठोस के कण प्रेजेंट नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मुक्त अवकाश कहते हैं। मुक्त अवकाश के द्वारा जो आयतन घेरा जाता है, उस आयतन को मुक्त आयतन कहते हैं। तो जो आयरिन ने सिद्धांत दिया था, यह सिद्धांत पदार्थ के तीनों गुणों की व्याख्या करता है, अर्थात द्रव, ठोस व गैस तीनों प्रावस्थाओं के बारे में बताता है। जब वह स्थान जहाँ पर द्रव, ठोस व गैस के कण प्रेजेंट नहीं होते, वह मुक्त अवकाश या मुक्त आयतन वाला क्षेत्र कहलाता है। मुक्त आयतन के कारण द्रव अवस्था में लगभग, द्रव अवस्था का जो आयतन होता है उसमें लगभग 4% की क्या आती है? कमी आती है। मुक्त अवस्था में जो मुक्त अवकाश होता है, मुक्त आयतन होता है, उसके कारण जो उसका क्षेत्र होता है उसमें लगभग 4% की कमी आती है। मुक्त अवस्था में जो निकटतम कण होते हैं, मुक्त अवकाश में जो निकटतम कण होते हैं मुक्त अवकाश के जो निकटतम कण होते हैं, अर्थात ये क्या अपने मुक्त अवकाश, इनके पास जो कण पाए जाते हैं, ये वाले कण, ये कण कौन सी प्रकृति को दर्शाते हैं? पदार्थ की गैसीय प्रकृति, गैसीय प्रकृति के बारे में दर्शाते हैं। तो इन कणों का जो आयतन होता है, इन कणों को आयतन Vn - Vs / Vs के बराबर होता है, Vn - Vs / Vl के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? इनका आयतन Vn - Vs / Vl के बराबर होता है। जो ठोस कणों का आयतन होता है, ठोस कणों का आयतन क्या होता है? ठोस कणों का आयतन बराबर Vs / Vl क्या होता है? ठोस कणों का आयतन Vs / Vl। एक नियत तापमान पर जब द्रव व गैस और ठोस तीनों प्रावस्था क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, अर्थात तीनों प्रावस्थाओं के घनत्व बराबर हो जाते हैं, तो उस तापमान को क्या कहते हैं? क्रांतिक तापमान कहते हैं। अर्थात क्रांतिक तापमान पर द्रव, ठोस व गैस तीनों अवस्था कैसे हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो ये क्या है अपना आयरिक सिद्धांत। आयरिक सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थों के मुक्त अवकाश के कारण पदार्थों के आयतन में लगभग 4% की कमी आती है, जो मुक्त अवकाश के पास वाला जो क्षेत्र होता है या पास में जो कण होते हैं, वो गैसीय पदार्थ के होते हैं, जिनका की आयतन Vn - Vs / Vl के बराबर होता है। जो ठोस कणों का आयतन है वो कितना होता है? Vs / Vl के बराबर होता है। लेकिन क्रांतिक तापमान पर तीनों पदार्थों के जो गुण होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो ठोस कण होते हैं वे कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? ऊष्मा धारिता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत? अपना द्रव का सिद्धांत, जिसमें चल रहा था अपना आयरिक सिद्धांत। आयरिक सिद्धांत क्या है? आयरिक सिद्धांत होता है जो पदार्थ के तीनों गुणों की क्या करता है? व्याख्या करता है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है द्रव क्रिस्टल का सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा आता है? द्रव क्रिस्टल का सिद्धांत, अर्थात जो द्रव पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। जो द्रव जल क्रिस्टल होता है, तो इसमें क्या होते हैं?
जल के अणु आपस में, जल के अणु होते हैं जो क्या होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं बॉन्डित होते हैं। तो इस प्रकार से जल के अणु बॉन्डित होते हैं और एक क्या कर लेते हैं क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या कर लेते हैं क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर लेते हैं जो कि क्या कहलाते हैं क्रिस्टल द्रव की द्रव जल क्रिस्टल संरचना। क्या कहलाती है द्रव जल क्रिस्टल संरचना जिसके अनुसार जो जल के अणु होते हैं वो एक दूसरे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डित हो जाते हैं जिसे कि इसे सर्वप्रथम मॉर्गन व बोरेन ने दिया था। किसने दिया था मॉर्गन व बोरेन ने दिया। इनके अनुसार जो क्रिस्टल होता है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह मुख्यतः चतुष्फलकीय अवस्था में प्रेजेंट रहता है अर्थात जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो क्या दर्शाता है समन्वय संख्या दर्शाता है। यदि यदि जो क्रिस्टल होता है द्रव जल क्रिस्टल होता है इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख जाता है तो ऑक्सीजन परमाणु होती है तो जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 4 के बराबर होती है। यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 4.4 से 5 के बराबर हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं जैसे जैसे हम द्रव जल क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं तो उसके कारण उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में भी चेंज हो जाती है। अर्थात जो द्रव जल की क्रिस्टल संरचना होती है वह तापमान के द्वारा क्या होती है प्रभावित होती है अर्थात इसके जो अणु होते हैं उस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है। जो ऑक्सीजन के चारों ओर समन्वय संख्या क्या होती है जो ऑक्सीजन के चारों ओर जो परमाणु होते हैं वो उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाते हैं। जब हम H2O को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उनमें क्या हो जाती है अधिकतम दूरी बढ़ जाती है और वह कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करते हैं अधिक प्रदर्शित करते हैं। अर्थात द्रव जल जो क्रिस्टल संरचना होती है वह तापमान द्वारा प्रभावित होती है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक विषम चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है अपना द्रव जल क्रिस्टल संरचना है इसे किसने दिया था मॉर्गन व वॉरेन ने दिया था। इसके अनुसार जो ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है चारों ओर से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है बॉन्डेड होता है जो कि तापमान के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो उस ऑक्सीजन परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक समचतुष्फलकीय होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह विषम चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। जो H2O अणु होता है H2O जल का जो मॉलिक्यूल होता है अणु होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है संसंजन बल का गुण पाया जाता है। संसंजन बल क्या होता है संसंजन बल वह होता है जो कि एक ही तरह के परमाणुओं के मध्य लगता है अर्थात द्रव के कणों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो क्या कहलाता है संसंजन बल कहलाता है। जो संसंजन बल होते हैं वह ठोस कणों में जो उपस्थित आकर्षण बल होते हैं उन बलों की तुलना में कैसे होते हैं कमजोर होते हैं या वीक प्रकार के होते हैं।
कमजोरियां भी प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होता है अपना द्रव जल क्रिस्टल संरचना, जिसे मॉर्गन व मोरे ने दिया था, जो कि तापमान द्वारा प्रभावित रहती है। जब तापमान का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑक्सीजन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और तापमान का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 4.4 से 5 हो जाएगी। ये तापमान द्वारा क्या होते हैं प्रभावित होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक समचतुष्फलकीय, उसके बाद क्या हो जाते हैं विषम चतुष्फलकीय होते हैं। जो H2 अणु होता है उसके अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य होता है, ससंजन बल कार्य करता है, जो कि जो जल में जो अणु पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, अर्थात जो दोषों में जो बल पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा कैसा बल होता है, कमजोर बल होता है। तो ये क्या है अपना द्रव जल क्रिस्टल संरचना, अर्थात जो जल होता है वो किस प्रकार से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करता है। जो क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं बंधित होते हैं, जिसके अंदर एक क्लस्टर भी बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्लस्टर का फॉर्मेशन, क्लस्टर के द्वारा भी क्या होते हैं बॉन्डित होते हैं। तो उसके बाद आता है द्रव क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपना द्रव क्रिस्टल। अब पढ़ते हैं द्रव क्रिस्टल। तो क्या होता है द्रव क्रिस्टल, तो द्रव क्रिस्टल में जब हम ठोस पदार्थों को संक्रमण ताप पर, किस पर संक्रमण ताप पर गर्म करते हैं तो ये अपारदर्शी, किसका अपारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं, अपारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। जो अपारदर्शी द्रव होता है इसे क्या कहते हैं मीसोफॉर्मिक अवस्था, क्या कहते हैं मीसोफॉर्मिक अवस्था, जो कि क्या होती है एक संक्रमण अवस्था होती है। मीसोफॉर्मिक अवस्था कैसी अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था होती है। जब हम इसको जो अपारदर्शी द्रव होता है उसे हम क्रांतिक तापमान पर, किस पर क्रांतिक तापमान पर क्या करते हैं गर्म करते हैं तो पारदर्शी द्रव का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है, पारदर्शी द्रव का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है। जब इस पारदर्शी द्रव को क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं, पारदर्शी द्रव को क्या करते हैं ठंडा करते हैं तो ठोस द्रव क्रिस्टल का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होते हैं द्रव क्रिस्टल की लक्षण। तो द्रव क्रिस्टल के क्या लक्षण होते हैं, जब हम ठोस पदार्थों को संक्रमण ताप पर गर्म करते हैं तो वह अपारदर्शी द्रव में चेंज हो जाता है, जो कि उसकी क्या होती है संक्रमण अवस्था होती है। इस जो संक्रमण अवस्था होती है इसे मीसोफॉर्मिक अवस्था भी कहते हैं। जब हम अपारदर्शी द्रव को क्रांतिक तापमान पर गर्म करते हैं तो वह पारदर्शी द्रव में चेंज हो जाता है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो वह ठोस या द्रव क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। तो क्या आगे समझ में क्या आता है द्रव क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल में जो ठोस पदार्थ होता है वह पहले अपारदर्शी में चेंज होगा, अपारदर्शी के बाद पारदर्शी बनेगा, पारदर्शी द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस है द्रव क्रिस्टल का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद आता है द्रव क्रिस्टल, इसके बाद आता है द्रव क्रिस्टल की द्रव व ठोसों से तुलना। द्रव क्रिस्टल की द्रव व ठोसों से तुलना, जब हम इसकी तुलना करते हैं तो जो द्रव क्रिस्टल होता है उसमें जो विषम दैशिकता होती है, विषम दैशिकता का जो गुण होता है वो क्या होता है पाया जाता है। ठोस यहाँ क्या द्रव क्रिस्टल,
क्या क्या द्रव। तो विषम देशिकता का गुण होता है वो किस में होता है, ठोसों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, द्रव क्रिस्टल में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन द्रव में कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो विषम देशिकता का गुण ठोसों में प्रेजेंट होता है, द्रव क्रिस्टल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्स किरणों का विवर्तन क्या होता है, एक्स विकिरणों का विवर्तन, जो एक्स विकिरणों का जो विवर्तन का जो गुण होता है वह ठोस व द्रव क्रिस्टल, ठोस व द्रव क्रिस्टल में तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन जो द्रव होता है उसमें कैसा होता है, एब्सेंट होता है। कैसा होता है, उसमें एब्सेंट होता है। इसके बाद जो शांता आती है, शांता का जो गुण होता है वो ठोसों में कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठोसों में एब्सेंट होता है, लेकिन द्रव क्रिस्टल, लेकिन द्रव क्रिस्टल और जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट गुण आता है पृष्ठ तनाव, कौन सा आता है नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। सब जानते होंगे पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो ठोसों में कैसा होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन जो द्रव क्रिस्टल और द्रव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट गुण आता है अपना तरलता, तरलता क्या होती है, पदार्थ का जो भेले का गुण होता है वो क्या कहलाती है, उसकी तरलता, जो कि ठोसों में कैसी होती है, एब्सेंट रहती है, और जो द्रव क्रिस्टल और द्रव होते हैं उसमें कैसी रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो इन गुणों के आधार पर, इन गुणों के आधार पर हम द्रव क्रिस्टल की द्रव्य ठोसों से तुलना कर सकते हैं। जो विषम देशिकता का गुण और एक्स किरणों का जो विवर्तन का गुण होता है वो तो द्रव क्रिस्टल में ठोसों के समान होता है, लेकिन शांता पृष्ठ तनाव और तरलता का जो गुण होता है वह द्रव क्रिस्टल में द्रव के समान होता है। तो इस प्रकार से हम द्रव क्रिस्टल की द्रव्य ठोसों से तुलना करते हैं। जो द्रव क्रिस्टल के प्रकार आते हैं, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक द्रव क्रिस्टल के प्रकार। तो क्या होते हैं द्रव क्रिस्टल के प्रकार, द्रव क्रिस्टल के प्रकार, द्रव क्रिस्टल होता है उसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है समेटिक, एक कौन सा होता है, समेटिक, सेकंड होता है, सेकंड कौन सा होता है, नेमेटिक, एक होता है सेमेटिक, दूसरा होता है नेमेटिक, तीसरा होता है कोलेस्टेरिक। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपना सेमेटिक द्रव क्रिस्टल, दूसरा होता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, और थर्ड होता है कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। तो ये क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल के प्रकार होते हैं, जिसकी कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ते रहिए, इसके बाद मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।